छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में सरकार ने इस साल का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया था, जिस पर चर्चा की गई है। वहीं अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। इस चर्चा के बीच सदन में 2,904,41,77,571 रुपये का अनुपूरक बजट पारित हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अनुपूरक बजट 2,904,42,00,000 रुपये और जो मुख्य बजट है वह 1,12,603,40,00,000 रुपये का है। दूर दूर से बच्चे आते हैं तो जो समीपस्थ जो हॉस्टल है, आश्रम है, उसमें अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए 19 करोड़ के भी व्यवस्था किया गया है, ताकि ये बच्चे वहाँ रह के रह भी सकें और अध्ययन कर सकें। कृषि पंपों के विद्युत जो शुल्क है, जो 6,000 और 7,500 3 और 5 हॉर्स पावर तक की जो छूट दी जाती है, उसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। बजट का हमने इसलिए विरोध किया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद में कांग्रेस की सरकार जब से आई है, तब से ये छत्तीसगढ़ कर्जे के बोझ से लदते जा रही है।